हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एलगोरिथम एच क्यू टूडे आई एम गोइंग टू राइट द कोड एंड आल्सो एक्सप्लेन टू यू ऑल द एल्गोरिथम टू सॉल्व दिस कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम व्हिच इज देयर इन लीड कोड इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन लीड कोड व्हिच मेक्स इट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेकर हम लोगों को इसमें एक इंटीजर दिया हुआ है एन एंड अगेन एक और इंटीजर दिया हुआ है के हम लोगों को रिटर्न करना है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ़ के नंबर्स चोजन फ्रॉम द रेंज वन टू एन मतलब वन से लेके एन तक हम लोगों को नंबर्स दिए हुए हैं बेसिकली हमेशा मान सकते हैं और उस उन नंबर्स में से हम लोगों को कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बनाने हैं है ना कॉम्बिनेशन के नंबर्स के ही होने चाहिए जैसे अभी के दिया हुआ है टू तो वन में वन से फोर में से कोई भी दो नंबर्स चूज करो हर बार और कॉम्बिनेशन बना बना के जितने भी टोटल कॉम्बिनेशन हो रहे हैं वो रिटर्न करना है ठीक है इसमें दिया हुआ है वन कामा टू एंड टू कामा वन आर कंसिडर्ड टू बी द सेम कॉम्बिनेशन तो हम वन कामा टू भी लिख सकते हैं इसको और टू कामा वन भी लिख सकते हैं तो बेसिकली जब हम सबसेट्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें से हम क्या करते थे ये सारे सबसेट रिटर्न करते थे आ रे के इसमें हम लोगों को क्या करना है कि जो के लेंथ के सबसेट है वो रिटर्न करना है ठीक है तो पिक एंड नॉट पिक वाली टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं हम इसमें और वन से लेके कर फोर तक जाने की जगह हम फोर से वन तक जाएंगे क्योंकि वन से फोर तक जाएंगे तो रिकर्जे फंक्शन में एक एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करना रहेगा पर अगर फोर से वन तक जाएंगे तो हमारा एक ही पैरामीटर में मतलब एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हम अवॉइड कर पाएंगे और वो पैरामीटर अवॉइड करने के लिए हम फोर से वन तक जाएंगे ठीक है तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं उसका ट्राई रन करके देख लेते हैं एक बार जैसे हमारे एग्जाम्पल में एन फोर है के टू है ठीक है तो हम पहले फोर से स्टार्ट करेंगे एक बार फोर को पिक करेंगे एक बार फोर को पिक नहीं करेंगे तो जब फोर को पिक करेंगे तो जो हमारा एरे है जो कि हमें आंसर में ऐड करना है या लिस्ट है जो हमें आंसर में ऐड करनी है वो हो जाएगी फोर कॉमा डैश क्योंकि हमें दो एलिमेंट्स लेने हैं तो अभी हमने एक एलिमेंट ले लिया है तो के हो जाएगा वन इस केस में ठीक है फिर अगर फोर को पिक नहीं करते हैं तो अगेन दोनों एम टी ही रहेंगी प्लेसेस तो के हमारे इस केस में टू रहेगा फिर ठीक है देन अगेन फोर से हम थ्री पे आ जाएंगे इंडेक्स आई मीन इंडेक्स नहीं एन को हम डिक्रीमेंट करेंगे फोर से थ्री पे आ जाएंगे अब अगेन थ्री के लिए रहेगा फोर के साथ हम थ्री को एक बार पिक करेंगे एक बार पिक नहीं करेंगे तो जब पिक करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा फोर कॉमा थ्री और के हो जाएगा इस केस में ज़ीरो ठीक है जब पिक नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा फोर कॉमा और एम टी प्लेस इस केस में जो के है वो रहेगा वन क्योंकि हमें अभी भी एक एलिमेंट रिक्वायर्ड है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ठीक है ऐसा आगे आगे करते जाएंगे पर जैसे ही के ज़ीरो हो जाता है तो हमें पता है कि हमें एक ऐसा लिस्ट या एक ऐसा एरे मिल चुका है एक ऐसा सबसेट मिल चुका है जिसकी लेंथ के है और उस उ, और जो नंबर्स हैं उसमें वो वन से लेके कर एन तक चोजन है ठीक है वन से लेके कर एन तक की रेंज में ही है जैसे फोर कॉमा थ्री तो इसको हम आंसर में ऐड कर देंगे ठीक है और रिटर्न कर लेंगे क्योंकि जो फंक्शन रहेगा वो वॉइड रहेगा ठीक है लेकिन एक ऐसा केस आएगा कि अभी तो फोर था फिर थ्री हुआ फिर एन टू होगा फिर वन होगा तो जैसे ही एन ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो तो हम पिक कर नहीं सकते वन से लेके एन तक ही हमें नंबर्स चूज़ करने थे तो जैसे ही एन ज़ीरो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे अगेन रिटर्न कर देंगे तो हम दो केसेज़ में रिटर्न करेंगे एक तो या तो के ज़ीरो हो जाए तो उस केस में हम आंसर में ऐड करेंगे जो हमारी लिस्ट है और फिर रिटर्न करेंगे और अगर एन जीरो हो जाता है तो हम ऐसे ही रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमारे पास चॉइसेस ही नहीं बची है चूज़ करने के लिए तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे ठीक है इसका सिंपल सा कोड रहेगा वो कोड करके देख लेते हैं जल्दी से एक फंक्शन लिख लेते हैं पब्लिक वाइड सॉल्व एक पैरामीटर रहेगा एन एक रहेगा के देन एक रहेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इसको हम करेंट नाम दे देते हैं एक रहेगा लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर इसको हम आंसर नाम दे देते हैं और यही हम रिटर्न करने वाले हैं अब इफ़ के इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ज़ीरो हो गया मतलब हमारी जो लिस्ट है करेंट उसमें सारे सही एलिमेंट्स आ गए हैं तो हम आंसर में ऐड कर देंगे एक न्यू अरे लिस्ट विच विल बी अ कॉपी ऑफ करेंट लिस्ट एंड देन रिटर्न कर देंगे लेकिन अगर एन ज़ीरो हो गया के वाली कंडीशन तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं एन ज़ीरो हो गया और के ज़ीरो नहीं हुआ है दैट मीन्स हमारे पास नंबर्स ख़त्म हो गए हैं पर हमें फिर भी uh, हमारे पास प्लेसेस uh, बची हुई हैं नंबर्स रखने के लिए बट उस केस में हम रिटर्न कर देंगे ठीक है फिर uh, एक रहेगा पिक और एक रहेगा नॉट पिक अब पिक वाले केस में हम क्या करेंगे जो हमारी करंट लिस्ट है उसमें ऐड कर देंगे एन ठीक है और फिर इस फंक्शन को सॉल्व को रिकर्जिवली कॉल कर देंगे एन माइनस वन के लिए और क्योंकि हमने पिक किया था तो के माइनस वन कर देंगे क्योंकि हमारे एलिमेंट्स टोटल के होने चाहिए और हमने एक चूज़ कर लिया तो के माइनस वन कर लेंगे देन करेंट लिस्ट ऐसी ही रहेगी आंसर ये ऐसी अब नॉट पिक वाले केस में क्या करेंगे जो हमने करंट में अभी नंबर ऐड किया है पहले तो वो रिमूव करेंगे ठीक है बैक ट्रैक करने वाले हैं बेसिकली बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है करंट में से रिमूव कर देंगे लास्ट एलिमेंट और फिर इस फंक्शन को फिर से एन माइनस वन के लिए कॉल कर देंगे लेकिन इस बार के के ही रहेगा क्योंकि हमने एलिमेंट पिक नहीं किया है तो so, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो कि अभी हमें पिक करना बाकी है वो के ही रहेंगे के माइनस वन नहीं होंगे तो so, ये दो रिकर्जिव कॉल्स जाएंगे ठीक है और फिर हमारा आंसर रेडी हो जाएगा तो so, हम यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर बना लेते हैं आंसर जो कि हम रिटर्न करेंगे ठीक है देन सॉल्व फंक्शन कॉल कर लेते हैं एन एन ही रहेगा के ही रहेगा करंट में हम न्यू एरे लिस्ट लिख लेते हैं एंड देन आंसर और रिटर्न कर देंगे आंसर रन करके देख लेते हैं सैम्पल टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं सबमिट करके देख लेते हैं और कोर्ट सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फरगेट टू तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव इन ऑलरेडी ऑल्सो प्लीज डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन दैट्स इट फॉर द वीडियो राधे राधे